सा लग रहा है। मैं कहूँगा ये बार आप जरूर आइए। इसके अंदर स्टफिंग देखिए, ये वाराणसी जंक्शन से बोर्ड किया गया है। अभी दिया गया मिंट वाला मखाना इससे पहले। क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं बिहार की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। जी हाँ, जिसका आज इनॉग्रेशन है। ट्रेन नंबर 22345 पटना गोमती नगर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वीक में 6 दिन चलने वाली है पटना से गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बीच में, फ्राइडे को छोड़कर। तो भाई अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। हरी झंडी दिखा दी गई है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑरेंज वंदे भारत का इंटीरियर। इंटीरियर बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको देखिए लगेज स्पेस, लगेज रखने के लिए एक जगह दिया गया है। साथ ही यहाँ पे ये टच लाइट और ये हर कोच में आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और ये यहाँ पे वॉशरूम इंगेजिंग इंडिकेटर है, साथ ही स्पीड वगैरह भी बताएगा ट्रेन कितनी स्पीड पे चल रही है। अगर मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो सीसी कोच में टोटल 78 सीट है। ये देखिए 78 सीट है, 3x2 के कम्बिनेशन पे है सीट। ये रहा फुट रेस्ट, मैगजीन सॉकेट, सामने में ये ट्रे दिया गया है। इस पर लिखा हुआ है कृपया 2.5 किलो से ज़्यादा भारी सामान ना रखें, मतलब 2.5 किलो से ज़्यादा वेट का सामान इस पर आपको नहीं रखना है। ये रहा बोतल होल्डर, जस्ट आपके सीट के नीचे ये चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। पानी के बोतल के बाद ये देखिए जूस दिया जा रहा है, मैंगो ड्रिंक। तो ये जूस के बाद अभी ये नाश्ते का पैकेट दिया जा रहा है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये अभी इनॉग्रल ब्रेकफास्ट है, कमर्शियल में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। भाई साहब 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का पहला हॉल्ट बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे आरा रेलवे स्टेशन पे पटना गोमती नगर वंदे भारत की ट्रेन का पहुंचने का टाइम होगा सुबह के 8:40। वैसे अपनी पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन टोटल 545 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस 545 किलोमीटर की दूरी तय करने में इस ट्रेन को टोटल टाइम लगेगा 8:25 का। वैसे अगर मैं हॉल्ट की बात करूं इस ट्रेन का, टोटल पटना से गोमती नगर के बीच में 5 हॉल्ट है, मतलब ट्रेन 5 जगह रुकेगी। आरा बक्सर 2 मिनट, बाकी के जितने भी स्टेशन है 5 मिनट के रुकेगी। कौन कौन सा स्टेशन है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अपने फैमिली मेंबर मिले हैं लेकिन डोर लॉक हो चुका है इस वजह से। चलिए ठीक है, आज इनॉग्रल जर्नी है। मुझे लगा कम से कम 5 मिनट तो यहाँ ट्रेन रुकेगी, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकी है ट्रेन अपनी। तो अभी फिलहाल अपनी ट्रेन देखिए फ्लैट 130 पे दौड़ रही है। वैसे ब्रेकफास्ट में बॉक्स के अंदर हम लोग को मिला है ये बिकाजी का मूंग दाल, ये ब्रिटानिया का क्रोसेंट चम्मच दिया गया है, स्वीट्स में दिया गया है ये पेड़ा, साथ में ये कचौड़ी देखिए कचौड़ी दिया गया है, चोको पाई, हैंड सैनिटाइजर, वेट वाइप्स, मैंगो ड्रिंक्स। ये रहा अपना चीज एंड हर्ब मखाना। और स्वीट्स में जो ये पेड़ा दिया गया है भाई, टेस्ट इसका भी ना लाजवाब, मतलब सही है।
और ये कचौड़ी का जो शेप है ये समोसा की तरह छोटा छोटा, ये भी मतलब काफ़ी खस्ता है। और ये कचौड़ी के अंदर स्टफिंग देखिए, और भाई काफ़ी टेस्टी है, सही लग रहा है। तो 118 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन पे, जहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे बक्सर रेलवे स्टेशन पे पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम होगा सुबह के 7:21। पटना बक्सर दोनों जगह ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी, तो विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिक डोर है भाई साहब, ऐसा ना हो कि आप लोग अंदर ही रह जाए। हम देखे हैं बहुत बार क्या होता है कि रिलेटिव छोड़ने के लिए आते हैं अपने पैसेंजर को अंदर ही देखने के चक्कर में रह जाते हैं, गेट लॉक हो जाता है। गेट अगर लॉक हो गया ना तो भाई साहब आपको भी साथ में ट्रैवल करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी समस्या तब आएगी जब आपको इन टू इंड पूरा फेयर देना पड़ेगा फाइन के साथ, चाहे आपको अगला स्टेशन उतरना हो चाहे कहीं भी उतरना हो। और देखिए बक्सर से भी स्कूल के विद्यार्थी लोग अंदर जा रहे हैं। चलिए अब गेट बंद हो रहा है। तो ये है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मिनी पेंट्री, जिसमें आप देख सकते हैं सामने में ये हॉट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे फ्रीजर है, यहाँ पे ये हॉट वाटर बॉयलर है, यहीं से आपको फूड की सर्विस मिलेगी कोच में। वैसे अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन दिलदार नगर जंक्शन पे रुकी हुई है, यहाँ पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं होने वाला, लेकिन आज इनॉग्रेशन है इसी वजह से ट्रेन आज यहाँ रुकी है। इसको 4 स्टेशन आए भाई साहब। 211 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का तीसरा हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन को DDU, और यहां पर अपनी वंदे भारत का हॉल्ट है 5 मिनट का। पटना गोमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी सुबह के 8:40 में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन की टाइमिंग की। जो ट्रेन है ना सुबह 6:05 पटना जंक्शन से निकलेगी, और सेम डे दोपहर में 2:30 गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी जो कि आता है लखनऊ में, और रिटर्निंग में ये ट्रेन दोपहर में 3:20 निकलेगी गोमती नगर रेलवे स्टेशन से, और ये आपको पहुंचाएगी सेम डे रात के 11:45 पटना जंक्शन। और फेस पे आपको थोड़ा सा रेड रेड लग रहा होगा, फेस क्या है ना कि 2 दिन पहले रंग लगा लिए, मतलब कोई रंग लगा दिया ऐसा रंग लगा ना इनॉग्रेशन था कवर करने के चक्कर में, इतना ना साबुन रग रहे ना रेड रेड पिंपल्स निकल गया, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, कोई नहीं। और हाँ, जर्नी के दौरान आपको बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इनॉग्रेशन में प्रॉब्लम होता ही है। हर रेलवे स्टेशन से स्टूडेंट्स लोग चढ़ रहे हैं, ये अभी DDU में चढ़े हो ना, ये DDU में चढ़े। आप लोगों को कैसा लग रहा है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे आगे सारे लोगों की इसमें कुछ आती है माँ गंगा। अरे आज के दिन झूठ है भाई, बस सर इस ब्रिज के बाद सारे सब सबके सब कैब खाली कर देंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा रुको गंगा जी पहले जाने,
बीच में जब पहुंचेंगे वहां तब लगाना। हेलो। तो 230 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का चौथा हॉल्ट वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BSV और यहां पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 9:20 और अपनी ट्रेन हमने आपको बताया 5 मिनट के लिए ही रुकेगी। वैसे एक चीज आपको बताना था, फेयर के बारे में आप लोगों को अपडेट देना था, लेकिन आज इसका इनॉगरल रन है, 18 तारीख को सुनने में आ रहा है कमर्शियल जर्नी होगा, फेयर वगैरह अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास जैसे ही होगा फेयर की जानकारी आएगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। भाई पैसा लगाना स्टॉप। और ये देखिए हम लोग का लंच जो है ये वाराणसी जंक्शन से बोर्ड किया गया है। तो भाई ये रहा अपना आज का लंच, इसमें ये देखिए दही दिया गया है और इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये जीरा राइस दिया गया है साथ में, इसमें जीरा राइस में काजू किशमिश वगैरह है, सूखी सब्जी है, आलू है और क्या है भाई ये पटल का, और ये शाही पनीर, दाल, दही दिया गया है स्वीट्स में, मेरा फेवरेट गुलाब जामुन, और इसमें तो भाई टिश्यू पेपर वगैरह है, और इसमें 2 पराठा है। तो चलिए लंच को करते हैं कंप्लीट। फाइनल खाने का रिव्यू अपने को पैसेंजर से लेते हैं। कैसा है खाना? पराठे बिल्कुल घर की तरह है। अच्छा, जैसे घर में जितने वेट साइज की पराठे होनी चाहिए बिल्कुल वही सेम साइज और वेट। ये पराठे यहाँ पे 2 पीस थे, साथ में जो है गुलाब जामुन का डब्बा भी आया। ओहो, हाँ बोलिए। ये सूखी सब्जी, सूखी सब्जी है आलू पनीर की। कैसी है वो? ये दाल है, ये शाही पनीर है बिल्कुल, हाँ ऐसा नहीं ग्रेवी के लिए कुछ मिला दिया गया हो, बिल्कुल गाढ़ा है, हर जैसा टेस्ट है। खाना ओवरऑल कैसा लगा आपको? ओवरऑल खाना जिस तरीके से ट्रेन लग्जरी है, खाना भी जो है उसी तरीके से लग्जरियस है, और मैं कहूँगा ये बार आप जरूर आइए और वंदे भारत ट्रेन का सफर करके देखिए, तब और अच्छा रहेगा, क्योंकि सुनाने से ज्यादा खुद आकर बैठकर खाने का जो मजा मिलेगा आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। और ये दही के साथ जो है खाते हुए देखिए फिर दोबारा, दही के साथ पराठा। भाई साहब 418 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 5वां हॉल्ट अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अयोध्या धाम जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है 2:12:15 और हम लोग की ट्रेन यहाँ रुकेगी 5 मिनट के लिए। और भाई मेरे समझ से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन, मतलब सबसे बेस्ट ट्रेन है, अगर पटना से अगर अयोध्या आते हैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट ट्रेन है टाइमिंग के हिसाब से। 6:05 में बैठे, 12:15 में अयोध्या धाम पहुँच गए और यहाँ से 5 घंटा में आराम से दर्शन कर लीजिए। यही ट्रेन रिटर्निंग में शाम में 5:15 में पकड़ के आप पटना रात के 11:30 के आसपास आप पहुंच जाइएगा, मतलब एक ही ट्रेन से आप आ जाइए अयोध्या और इसी ट्रेन से आप रिटर्न हो जाइए दर्शन करके, काफी अच्छा है। तो बहुत सारे लोग अयोध्या में उतर गए हैं। जय श्री राम। सभी लोग जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। Thank you.
हैं अपने पड़ोसी, मतलब अपने जिले के ही हैं, समस्तीपुर के ही हैं। एक तो ये पिंटू भाई और साथ में नंदन जी, ठीक है, ये उभरता हुआ सितारा फ्यूचर के ये लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर पे शॉर्ट्स वगैरह ये भी काफ़ी बढ़िया बनाता है, रील वगैरह बनाता है। नंदन जी का भी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पेज काफ़ी ग्रो कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं। कैसा लगा आप लोग को ये बताइए? बहुत अच्छा लगा भैया, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सोच रहे थे जैसे ट्रेन में कभी मिल पाएंगे, लेकिन एक ऐसा मौका मिला जो कि मतलब वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि पटना से लखनऊ जा रही थी उसमें मिले, काफी अच्छा लगा भैया। और देखिए आज से 3 दिन पहले समस्तीपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, उसमें मुझे बुलाया गया था इन लोगों के द्वारा, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से, नहीं तो हम जरूर जाते, तो क्षमा जाने इसके लिए, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। बाकी इंस्पिरेशन आप हमारे मतलब आप ही है, आप ही को देख के हम ट्रेन जर्नी चालू किए थे, तो 4 साल पहले आपकी वीडियो देखा करते थे, जब आपके जो है 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उसी दिन से पहले समस्तीपुर का बनाते थे मेला उला का, जितवारपुर में मेला लगता था, वो सब वीडियो बहुत पुराना वीडियो देखते आ रहे हैं। एक दिन सोचे थे जो मिलेंगे मोनू भैया से, एक दिन वीडियो भी बनाए थे, आप बोले थे राज पैलेस में स्टोरी लगाए थे, हम गए मिलने के लिए, लेकिन आप निकल गए। उस दिन सोचे थे जो कि मिल जाएंगे लेकिन नहीं मिले थे, लेकिन आज देखिए आज आपके साथ सफर। नंदन जी आप यूट्यूब पे वीडियो डालिएगा जी, यूट्यूब पे। तो भाई नंदन जी का चैनल का नाम है वाव एनडी न्यूज, ठीक है, जाके देख लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वॉशरूम। वैसे इससे पहले जितने भी वंदे भारत हमने कवर किया वॉशरूम सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है, बस कलर थोड़ा चेंज हो गया, ये थोड़ा ऑरेंज कलर का है वंदे भारत, नॉर्मल आप व्हाइट कलर में देखते होंगे। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले सामने में आपको हर वॉशरूम के पास ये देखने को मिल जाएगा इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोको पायलट से आप बात कर सकते हैं इसे प्रेस करके, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ही प्रेस कीजिएगा, नहीं तो फिर जुर्माना भी लग सकता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते ही सामने में एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये टॉवल होल्डर है, और ये देखिए बेसिन देखिए कितना साफ है, नीचे डस्टबिन है, और ये हैंड ड्रायर है, साथ ये ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर, ये देखिए नीचे मैट लगा हुआ है, साथ इधर टॉयलेट पेपर भी है। भाई साहब यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर एक और मिले हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शिवम, मैं आसनसोल से, मेरा भी चैनल है भैया, सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। चैनल का नाम बता दीजिए। आसनसोल या शिवम ऑफिशियल। जेपी वंदे भारत में रहना चाहिए था आपको। मेरे इसमें आ गए, आपने सुने तो आ गए, आपसे प्यार है भाई इसलिए आ गए। चलिए ठीक है भाई को सपोर्ट कीजिए। तो भाई साहब फिर से आ चुका है शाम का स्नैक्स, और ये देखिए ये अमन लगा हुआ है रीडिंग में, शर्मा रहा स्नैक्स कर लो भाई। और जो ब्रेकफास्ट मिला था सेम वही चीज़ है, ये देखिए पिताजी का ये झाल मुड़ी दिया गया है, नहीं चेंज है ना, झाल मुड़ी का। और स्नैक्स में देखिए दिया गया है ये झाल मुड़ी, साथ ही ये क्रोसेंट, चोको पाई, वही लगभग सेम ही चीज़ है जो ब्रेकफास्ट में दिया गया था, और ये पेड़ा बर्फी जो भी कह, और ये रहा अपना पेड़ा। शाम के बज रहे 4:27, और देखिए शाम का स्नैक्स आ चुका है, इसमें ये देखिए अभी लिट्टी दिया गया है, ब्रेकफास्ट में कचौड़ी दिया गया था, और स्वीट्स में वही बर्फी पेड़ा जो कह लीजिए वो है, चोको पाई है, साथ में ये देखिए मखाना दिया गया है, अभी दिया गया है मिंट वाला मखाना, इससे पहले दिया गया था हल्दी वाला मखाना, साथ ही बिकाजी का ये लाइट झालमुड़ी दिया गया है, और ये क्रोसेंट। सो गाइस, तो आज के ब्लॉग को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको कैसी लगी ये पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे ये जो ट्रेन है ये गोमती नगर पहुँचाएगी 2:30 पर, रिटर्निंग में ये ट्रेन 3:20 पर निकलेगी, और सेम डे रात में 11:45 पर आपको पटना जंक्शन पहुँचाएगी। वैसे फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन में ही हैं, और हाँ इस ट्रेन का कमर्शियल जर्नी किया जाएगा, आज तो इनॉग्रल जर्नी था, तो जो भी चीज़ आपको दिखाया गया खाने पीने में वो इनॉग्रल जर्नी के लिए ही था, बस कमर्शियल जर्नी में अलग चीज़ दिया जाएगा, अलग सर्विस लिया जाएगा, वो भी फ्यूचर में जर्नी करके आपको दिखाएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, और लगातार सर्वाई के साथ जर्नी करते रहे। सुन दिल पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।